हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन 12th क्लास मैथमेटिक्स वी आर कंटिन्यूइंग विद एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 15 तक ले लिया था, आज क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है, मतलब 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को आप t ले लीजिए। इसको अगर आपने t ले लिया तो ये कितना आ जाएगा, 4x प्लस 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, dt बाय dx, यानी कि 4x प्लस 1 इनटू dx will be equal to dt। तो 4x plus 1 into dx ये लिखा हुआ है और 4x plus 1 into dx ये आ गया, तो अब इसको कैसा लिख लेंगे, this can be written as dt upon under root of t। अब dt upon under root of t इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, t to the power of minus 1 by 2 dt, this will be t to the power of minus 1 by 2 plus 1 upon minus 1 by 2 plus 1। तो ये तो बच्चों का क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ जो अभी हम लोगों ने जिसके बारे में बात की है इस एक्सरसाइज में। सो दिस विल बी टी टू द पावर ऑफ 1 बाय 2 अपॉन 1 बाय 2 प्लस सी, तो ये आ जाएगा 2 टी टू द पावर ऑफ 1 बाय 2 एंड प्लस सी। सो दिस विल बी 2 रूट टी एंड प्लस सी, सो दिस इज 2 अंडर रूट ऑफ 2x square plus x minus 3 and plus c। So this is the answer। तो question बच्चों ऐसा लग रहा है as if this is wrongly placed in the wrong exercise है ना, मतलब इसमें जितने भी problems अभी तक अभी हम लोगों ने लिए हैं उन सभी में ये जो 6 नए formulas पड़े हैं वो use हो रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी एक ये use नहीं हो रहा था। अब इसके बाद next problem क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। क्वेश्चन नंबर 17 में दिस इज एक्स प्लस 2 अपॉन, ऐसा प्रॉब्लम अभी हम लोग कर चुके हैं, ये एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 इसी टाइप का है ना, एक्स प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। अब इसको अभी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं कैसा, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऐसा कुछ ब्रेक कर सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, इसमें तो बच्चों फर्स्ट वाले इंटीग्रल में अभी हम लोग इसको एक काम कर रहे हैं, आई वन प्लस आई टू लिख दे रहे हैं। दिस इंटीग्रल इज नेम्ड एज आई वन एंड दिस इज नेम्ड एज आई टू, है ना, तो इनको आई वन और आई टू नाम लिख दिया। अब आई वन को अलग से सॉल्व कर ले रहे हैं, आई वन को अलग से सॉल्व करने के लिए एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, ये अगर ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप टी ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी अगर लेंगे तो कितना जाएगा, 2x इंटू डी एक्स या 2x इज इक्वल टू व्हाट, डी टी बाई डी एक्स, यानी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, इसको देखो क्या बन रहा है, अब इसमें x इंटू डी एक्स को डी टी अपॉन 2 अगर लिखें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x इंटू डी एक्स को ये डी टी अपॉन 2 और ये अंडर रूट ऑफ t आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर रूट टी आ जाएगा, रूट टी यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ मिलेगा।
अब इसके बाद अब क्या करेंगे, फिर आई टू को सॉल्व कर लो। तो ये बच्चों ये तो अभी हम लोग लिख दे रहे हैं, ये कितना अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन ऐसा कुछ आ रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, कौन सा इसमें ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये अप्लाई होगा, तो इसका तो फॉर्मूला अभी हम लोग मालूम है, इसको क्या लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर ये लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये आ गया एन प्लस सी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था इन बिटवीन क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों ये मेन प्रॉब्लम है इस पूरी एक्सरसाइज का है, तो अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेना पूरी एक्सरसाइज का मेन। अगर जैसे एग्जामिनेशन में इफ यू आर नॉट गेटिंग टाइम टू रिवाइज द एंटायर एक्सरसाइज देन दीज आर द टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वन शुड टारगेट इफ समवन इज हैविंग लिमिटेड टाइम टू रिवाइज, है ना। तो अभी हम इसमें क्वेश्चंस आपको बोल दे रहे हैं, क्वेश्चंस कौन से, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21 और 22, तो ये क्वेश्चंस मेन अभी आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है 18, 19, 20, 21 और 22। तो एग्जामिनेशन के समय अगर आप रिवीजन कर रहे हैं यू कैन जस्ट अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड दी फॉर्मूलेस, तो आपका ये सब कुछ रिवाइज हो जाएगा इन दी एंटायर एक्सरसाइज, है ना। अब इसमें देखना 18th क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 18 5x माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में 1 + 2x + 3x² 1 + 2x + 3x² ऐसा कुछ है। तो अभी हम लोगों ने इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया, 1 + 2x + 3x² लिखा हुआ था, है ना। अब इसमें क्या करना है बच्चों ध्यान से देखना, अगर ये प्योरली क्वाड्रेटिक टर्म हो, अगर होता क्वाड्रेटिक टर्म होता तो अभी हम लोग इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो अभी हम लोग पिछले प्रॉब्लम्स में डिस्कस किया है, लेकिन यहां पर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, ये एक लीनियर फैक्टर है अपॉन नीचे क्या है एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना। तो अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं ध्यान से देखना, 3x² + 2x + 1 को आप टी ले लीजिए, 3x² + 2x + 1 को आप टी ले लीजिए, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बच्चों 6x + 2, इसका डेरिवेटिव 6x + 2 इज इक्वल टू dt/dx, यानी 6x + 2 dx विल बी इक्वल टू dt, ऐसा कुछ आएगा। लेकिन यहां पर 6x नहीं है, है ना, यहां पर अगर ऊपर 6x कुछ होता तो अभी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। तो अब हम लोग यही कहते हैं कि अब आप इसको ये जो न्यूमरेटर में दिया है इसको इसके टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट किया जा सकता है क्या। तो आप आपको इसको कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं कि भाई पहले आप 5 कॉमन निकाल लो, 5 कॉमन निकाल लेंगे तो x बचेगा, x अगर निकला x बचेगा तो अभी आप क्या कर सकते हो उसको 6 में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो ये तो अभी हम लोग कहते हैं ये एक तरीका है जिसमें आपने ये 5 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा x - 2/5 ऐसा कुछ आया, है ना, और अपॉन 3x² + 2x + 1। ये अच्छे से समझना बच्चों मेथड को, ठीक। फिर उसके बाद अभी हमने इसमें ये बोला कि न्यूमरेटर में अगर 6x + 2 होता तो हमारा काम चल सकता था, लेकिन ये 5x - 2 है ना। तो अब हम लोग इसको 6x बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पहले तो 5 कॉमन ले लिया, अब इसके बाद क्या करो आप, इसके बाद जो है आप इसमें ऊपर और नीचे 6 का मल्टीप्लीकेशन कर दो बच्चों, 6 का अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों देखो 5/6, तो ये आ गया ये 5/6, ये 6 अंदर मल्टीप्लाई होकर 6x - 12/5 अपॉन 3x² + 2x + 1 ऐसा कुछ आ गया, ठीक। अब उसके बाद और क्या कर सकते, देखो 6x + 2 चाहिए
तो अब 6x प्लस 2 बनाना आसान है, एक बार 6x आ गया तो कैसे बनेगा, 5 बाय 6 इंटू 6x प्लस 2 एंड माइनस 2 एंड माइनस 12 बाय 5 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो देखो बच्चों अच्छे से, ये वैसे ही कुछ आ गया जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे। इन द न्यूमरेटर यू आर हैविंग द टर्म्स, कैसे टर्म्स आ गए हैं अभी हम लोगों को दिख गया, 5x माइनस 2 था, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो क्या करेंगे, ये देखना 5 2 जा 10 तो ये आ जाएगा 6x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आया, और किससे मल्टीप्लाइड है, 5 बाय 6, और यहां पर क्या आया बच्चों माइनस 22 बाय 5। अब इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेना, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, कैसा लिखेंगे, ये आ जाएगा 5 अपॉन 6 इंटू 6x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा कुछ लिखेंगे, और यहां पर ये माइनस साइन है तो माइनस, ये 5 बाय 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 5 बाय 6 इंटू 22 बाय 5, और क्या बचा, और क्या बचा, dx अपॉन नीचे क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बस। अब देखो इसमें 5 और 5 कैंसिल हुआ, ये 2 3 जार 2 11 जार। अब ये दो इंटीग्रल्स में ब्रेक हो गया, 5 बाय 6 6x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड माइनस 11 अपॉन 3 इंटू dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना। तो बच्चों ये अभी हम लोगों को इसके बारे में मालूम है क्या, कि इसको कैसे सॉल्व करना है और इसको कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज में पहले भी मिले, है ना। तो मेन चीज क्या है, ये जो ऊपर वाला लीनियर टर्म है इसको नीचे वाले क्वाड्रेटिक टर्म के डेरिवेटिव के टर्म्स में एक्सप्रेस करना। 5x माइनस 2 को हम लोगों ने जबरदस्ती क्या बना लिया, 6x प्लस 2, है ना। एक तो तरीका ये है, है ना। अब इसको ये जो कन्वर्ट करने का तरीका है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमें दिमाग नहीं लगाना पड़े, है ना। तो दिमाग अगर नहीं लगाना है, सिंपल आपको स्टेप्स में अगर ये स्टेप तक आना है तो इसका भी एक तरीका है, तरीका क्या है वो समझ लो, हम ये रब कर दे रहे बच्चों, क्योंकि ये तो अभी आपने देख ही लिया। क्या करोगे आप, जो ऊपर वाला टर्म है, ऊपर वाला टर्म, इसको स्प्लिट करना है, किसके टर्म्स में स्प्लिट करना बच्चों, 6x प्लस 2 लाना है, तो 6x प्लस 2 जबरदस्ती ले आएंगे और साथ में कुछ नंबर भी आएगा, है ना। तो ये नंबर भी लिख लिया, बस इसको ऐसा लिख लेना, इसको ब्रेक करना है तो a टाइम्स द डेरिवेटिव लिख लो और प्लस b। तो अब हम लोग इसमें ये कहते हैं बच्चों कि अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दिया है तो इसमें सॉल्व करने के लिए लीनियर को, ये जो ऊपर वाला लीनियर है इसको a टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b ऐसा लिखेंगे, एंड फाइंड a एंड b। अब a और b निकालते कैसे, ये भी अभी हम आपको सिखा दे रहे हैं। हमने आपको मेन स्टेप जो है, जो अभी आप इंटीग्रेशन टिप्स में लिखेंगे उसमें अभी आप ये चीज लिख लोगे, है ना। तो इंटीग्रेशन की बहुत सारी टिप्स अभी हमने आपको बताई हैं, उसमें एक ही ऐड कर लेना। अब देखो ध्यान से, अब क्या करोगे, इसमें एक्स वाले टर्म्स को कंपेयर करो, एक्स वाले टर्म्स कौन से बच्चों, क्वेश्चन 18 जगह बच्चों बहुत कम है ना, इसी को यूज करना है। तो 5x माइनस 2 को आपने a टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b ऐसा लिखा है। अब x वाले टर्म्स कंपेयर करो बच्चों, x वाले टर्म यहां पर क्या है 5, x वाला टर्म क्या है 6a, तो a की वैल्यू कितनी 5 बाय 6 आ गई, ठीक। अब उसके बाद आप क्या करोगे, कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करो, तो कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों माइनस 2, यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा 2a प्लस b, तो इससे b मिल जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2 माइनस 2a, माइनस 2
माइनस माइनस सिक्स माइनस फाइव अपॉन थ्री माइनस इलेवन बाय थ्री। देखो यही वाली स्टेप आ गई है ना, तो उतना सारा कुछ नहीं करना पड़ा है ना। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमें फॉर्मूला नहीं याद रखना है ना, कुछ लोगों को ये लगता है कि हमें दिमाग लगाना, तो जैसा भी जिसको जो सूट करे वो यूज कर सकते हो। अब भाई 5x माइनस 2 को आपने लिख लिया, अब हम स्टेप से स्टेप पर आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 5x माइनस 2 को a टाइम्स यानी 5 बाय 6 टाइम्स क्या 6x प्लस 2 लिख लिया, प्लस b तो प्लस b कितना मतलब 11 बाय 3 ये लिख लिया, और डिनोमिनेटर में क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इधर क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। बस देखो अब आप ध्यान से, तो आपको ये वाली स्टेप आ गई है ना। तो अभी हम लोगों ने ये बोला कि आपको इस स्टेप तक मेन आना है, उसके बाद अब ये दो प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। अब ये दो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं ये अभी हम आपको बता दे रहे हैं ना। इसमें इस वाले को आप अलग से सॉल्व कर लीजिएगा, इस वाले को अलग से सॉल्व कर लेना है ना, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा है ना। हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि भाई आप इसको आई वन लिख लो और इस वाले इंटीग्रल को आई टू लिख लो है ना, इस वाले टर्म को आई टू, तो इसलिए क्योंकि ये तो एक स्टेप में आ जाएगा, इसमें बहुत सारे स्टेप्स लगेंगे और आपको ये बार बार कॉपी करना पड़ेगा, तो इट विल सेव टाइम है ना इफ यू आर राइटिंग दिस एज आई वन एंड आई टू। अब हम आपको क्या कर रहे हैं आई वन और आई टू को अलग अलग सॉल्व करके बता दे रहे हैं, एंड देन वी रिकम्बाइन टू गेट द आंसर। आई वन क्या है बच्चों, आई वन इज 5 बाय 6 6x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को t लिखा है, 6x प्लस 2 dx की जगह dt, 6x प्लस 2 dx की जगह क्या लिख लिया आपने dt, तो बच्चों ये dt आ गया, ये 5 बाय 6 है और नीचे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को t लिख लिया, तो इसका आंसर बच्चों 5 बाय 6 log t, तो इसका आंसर 5 बाय 6 log ऑफ t यानी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसा कुछ आया। उसके बाद I2 लिख लो, I2 क्या है बच्चों माइनस 11 बाय 3 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसा कुछ है। अब ये पहली बार ऐसा प्रॉब्लम मिला है जिसमें ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका है बच्चों। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए अब आप इसमें से या तो 3 कॉमन ले लो, आइदर टेक 3 कॉमन और यू मल्टीप्लाई 3 इनसाइड, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब ये चूंकि नई चीज डिस्कस कर रहे तो नए तरीके से ही ले लें। अब हम लोग इसमें 3 कॉमन ले लिया, तो बच्चों 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 3 एंड प्लस 1 अपॉन 3 ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इसके बाद बोलो क्या मिलेगा, यह आ जाएगा माइनस 11 अपॉन 9 ठीक। और अब देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो बच्चों, अब हम ये रब कर दे रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ यूज कर चुके हैं, सो वी आर रबिंग दिस पार्ट। क्योंकि ये सब कुछ तो अभी हम लोगों ने नोट कर लिया है ना, होपफुली यू ऑल मस्ट हैव नोटेड डाउन दिस। माइनस 11 बाय 9 आया और इधर कैसा लिखेंगे dx अपॉन a स्क्वायर लिखा, फिर क्या करते हैं प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, कैसा लिखें b, ऐसा लिखें कि बीच वाला टर्म चेंज नहीं हो, तो लो भैया b लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, 2x बाय 3 तो 2x बाय 3 और जितना ये आएगा ये b उसको अभी आप स्क्वायर करके ऐड कर लो, मतलब प्लस 1 बाय 9 इसको स्क्वायर करके ऐड कर लो और इसी को सब्ट्रैक्ट कर लो, और ये प्लस 1 बाय 3 लिखा हुआ तो 1 बाय 3 लिख लो। अब क्या होगा इससे,
इसमें अब आप कुछ टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं। कौन से वाले टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं बच्चों? ये वाले टर्म्स को कंबाइन करके क्या लिख सकते हो? x प्लस वन अपॉन थ्री लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस इलेवन अपॉन नाइन, ऐसा है dx अपॉन x प्लस वन बाय थ्री का होल स्क्वायर, ठीक। और इधर कितना आ जाएगा? वन बाय थ्री माइनस वन बाय नाइन, ये सॉल्व कर लो, ये नाइन एलसीएम आ गया, थ्री थ्री जार टू बाय नाइन है ना, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस नहीं सॉरी प्लस टू बाय नाइन आया इसको सॉल्व करने पर। तो टू बाय नाइन को भी अभी हम लोग देखो कैसा लिख रहे हैं। बस अब क्या कर सकते हो बच्चों? इसमें अब माइनस इलेवन बाय नाइन, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? वन बाई ए, वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। तो वन बाय ए कितना है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। तो यह आ जाएगा थ्री, थ्री जा नाइन, तो माइनस इलेवन अपॉन थ्री रूट टू टेन इनवर्स थ्री एक्स प्लस वन अपॉन रूट टू, ऐसा कुछ आ जाएगा है ना। तो फाइनल आंसर में आपको दोनों को कंबाइन करना है, दोनों कौन से? ये वाले और ये वाला ना? तो फाइनल आंसर इसका बच्चों कितना आ जाएगा? इसका फाइनल आंसर यहां कहीं पर लिख दे रहा है ना, क्वेश्चन के पास में ही। सो दिस वॉज इक्वल टू वॉट? आई वन प्लस आई टू, एंड दिस इज वॉट? आई वन इज वॉट? फाइव बाय सिक्स लॉग। बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं जो अभी हमने चार पांच मार्क कराए थे, ये इंपॉर्टेंट है ना। अभी हमने आपको बता दिया कि आपको अगर समय कम मिलता तो आप इन्हीं चार पांच क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन अभी मत करना ऐसा कि सर आपने बोला सर पांच क्वेश्चंस करने, अभी नहीं, अभी तो पूरा एक्सरसाइज करना है। दिस इज व्हाट यू गेट एंड प्लस सी। सो दिस वाज व्हाट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। अब चूंकि प्रोसेस पता चल गया है तो अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, बिकॉज इट विल टेक टाइम। वन सेकेंड, इट इज ऑफ द सिमिलर टाइप, जो टाइप अभी हमने किया है बिल्कुल वैसे ही है ना। सो वी बी डूइंग द एंटायर प्रोसेस बट अ बिट फास्ट है ना, so that we are able to finish it on time. Six x plus seven. Question number 19. Six x plus seven upon root of x minus five into x minus four dx. इसको कैसे लिख लोगे? सिक्स एक्स प्लस सेवन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव एक्स एंड प्लस ट्वेंटी डी एक्स, ऐसा लिखेंगे। और इसको क्या लिखेंगे? सिक्स एक्स प्लस सेवन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी। अब इसमें क्या करने वाले बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी को इक्वल टू टी ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी को टी ले लो, तो कितना आ जाएगा? टू एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब इसके बाद क्या लिखोगे? टू एक्स माइनस नाइन डी एक्स को डी टी लिख लेंगे है ना। अब क्या आएगा देखना, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? सिक्स एक्स प्लस सेवन को, सिक्स एक्स प्लस सेवन को ब्रेक करेंगे किसके टर्म्स में? टू एक्स माइनस नाइन, ए इंटू टू एक्स माइनस नाइन,
एम प्लस बी, बस खत्म, इतना सा है ना। दो तीन क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो बिल्कुल परफेक्टली यूल फॉलो द स्टेप्स। ये एक्स के टर्म्स को कंपेयर करो, एक्स के साथ यहां सिक्स है, यहां पर एक्स वाला केवल एक ही टर्म है, तो सिक्स विल बी इक्वल टू टू ए, तो ए की वैल्यू बच्चों थ्री आ गई है ना, ए की वैल्यू थ्री आ गई। अब कॉन्स्टेंट टर्म सेवन, यहां पर माइनस सॉरी सेवन विल बी इक्वल टू माइनस नाइन ए प्लस बी, सेवन इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सेवन एंड प्लस बी, तो बी की वैल्यू बच्चों 34, तो बी की वैल्यू 34 आ गई। अब क्या करोगे, अब आप 6x प्लस 7 को ब्रेक करने वाले हैं, 6x प्लस 7 को क्या लिखने वाले हो, देखो a टाइम्स यानी 3 टाइम्स 2x माइनस 9 एंड प्लस बी यानी 34। चेक करके देखा करो बच्चों, चेक करने का तरीका देखो, 3 इंटू 2x कितना जाएगा, 6x, बिल्कुल सही है। ये माइनस 27 एंड प्लस 34, माइनस 27 एंड प्लस 34 कितना जाएगा 7, तो ये आया होगा। और नीचे क्या है बच्चों, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और इधर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 डीएक्स और ये डीएक्स, या एक ही कर दे रहे हैं चलो अभी। तो अब इसका तो इंटीग्रल बच्चों बहुत इजी है, इसका इंटीग्रल कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को टी लिख लिया और 2x माइनस 9 को 2x माइनस 9 डीएक्स को डीटी, तो अब हम लोग इसको आई वन प्लस आई टू लिख ले रहे हैं, दिस इज आई वन एंड दिस इज आई टू है ना, चलो लिख दे रहे हैं अलग अलग। आई वन क्या है, थ्री इंटू टू एक्स माइनस नाइन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 है ना, तो अब किसको dx किसको dt लिखे देखो, वी विल बी राइटिंग 2x माइनस 9 को, ये देखो 2x माइनस 9 dx को, 2x माइनस 9 dx को dt लिख ले, आ जाएगा थ्री डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी, तो ये टी टू द पावर माइनस वन बाय टू डी टी यानी थ्री टी टू द पावर माइनस वन बाय टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाय टू प्लस वन एंड प्लस सी, या सी अभी हम लोग एक साथ लिख लेंगे, थ्री टी टू द्वारा वन बाय टू अपॉन वन बाय टू, यह आ जाएगा सिक्स अंडर रूट ऑफ टी प्लस सी यानी सिक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस 20 ऐसा कुछ आएगा है ना। तो पहला पार्ट तो ये आ गया ठीक है, अब सेकेंड पार्ट इसका, अब इसमें सेकंड पार्ट में बच्चों आई टू में आई टू सॉल्व कर लें, तो आई टू क्या आ जाएगा, आई टू इज 34 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 है ना। अब इसको सॉल्व कर लें, ये कैसे सॉल्व होगा, वी विल कन्वर्ट दिस इनटू व्हाट, अ परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत वाली चीज नहीं है, थर्टी फोर डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए। अब बी देखो कैसा लिखें, बी ऐसा लिखें कि 9x आ जाए है ना। अब इसमें बहुत सिंपल तरीका है, 9/2 कर लो भैया, 2 आपने पहले ले लिया, 2 को बाद में भी ले लो, 2 पहले ऊपर लिख लिया तो अब नीचे आ जाएगा, कैंसिल करो, कैंसिल करके चेक करो माइनस 9x आएगा, और ये जो आता है इसको तुरंत स्क्वायर करके ऐड कर लो, मतलब इधर क्या करोगे प्लस
81 बाय 4 एंड माइनस 81 बाय 4 और क्या लिखा हुआ था प्लस 20 लिखा हुआ था तो प्लस 20 भी लिख लें। ऐसा कुछ आ गया। अब इसके बाद क्या करोगे बच्चों? ये आ जाएगा 34 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ मिलेगा। और इसको सॉल्व करने पर -81/4 + 20 - 81 + 80 है ना, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों सॉल्व करने पर? ये सॉल्व करने पर -81/4 + 20 को सॉल्व करने पर ये -1/4 आ जाएगा, है ना। तो इसको अभी हम क्या लिख लेते हैं, -1/2 का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे? अब इसमें 1/√(x²-a²) का फॉर्मूला लगा दो। 1/x²-a² का फॉर्मूला अगर लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 34 log(x) + √(x²-a²). तो इसके बारे में भी हमने हमेशा बोला है कि आप इसको पूरा सिंप्लीफाई नहीं करो, है ना। कैसा लिखो, 34 log यह आ जाएगा 2x - 9/2 और इधर कितना आ जाएगा बच्चों, ये सॉल्व करने पर x² ये किससे आया है, ये इससे आया है और ये इससे आया है, और ये किससे आया है, x² - 9x + 20, ऐसा कुछ मिलेगा। अब 2x - 9 बच्चों परफेक्टली बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है। आपको अगर कहीं पर भी थोड़ा सा डाउट लगे तो आप ये पूरा सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि डायरेक्टली नहीं लिखना है ना, तो अभी आप इसको सॉल्व कर लेना। x - 9/2 का होल स्क्वायर - 1/4 ये सॉल्व कर लेना, तो यह आ जाएगा x² + 81/4 - 9x, है ना, और ये -1/4, है ना। तो ये सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो सारी चीजें परफेक्टली बिल्कुल वैसी हैं। तो अब आपको क्या करना है, फाइनली रिजल्ट देते समय, और यहां पर बच्चों अपॉन 2 है, ये याद रखना, ये एलसीएम यहां पर 2x - 9x²-9x - 4, ठीक है। नहीं, सो दिस विल बी 34 log (2x - 9)/2 +2x - 9 का। तो अब आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा, वो फाइनल आंसर में क्या क्या आ जाएगा बच्चों, I1 और I2, तो ये आ जाएगा I1 कितना था, 6√(x²-9x+20) एंड (34 log)(x-9/2) + (+). सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो बच्चों अब आज के लिए इतना ही, वी विल कंटिन्यू विद व्हाट द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स ऑन द नेक्स्ट टाइम। दैट्स ऑल फॉर टुडे।